हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एपिसोड 2 तक अपलोड हो चुका है। यहाँ हम लोग ऑफलाइन बच्चों के साथ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग यानी कि एपिसोड 2 में हम लोग अभी अपलोड नहीं हुआ है, साथ ही में दोनों मिला के अपलोड करेंगे। उसमें था कि हम लोग पिछले क्लास में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ देख लिए हैं, अभी दोनों साथ में ऐड होगा। आज हम लोग देख रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। तो जो न्यूटन सेकेंड लॉ है, उसमें हम लोग अगर आपसे पूछे, मतलब हम अगर आपसे पूछे तो आप लोग भी जवाब दे सकते हैं, बहुत ही आसान है। कैसे? अगर हम पूछे किसी से भी, मतलब कोई भी, अगर 8 क्लास का भी बच्चा अगर हो, अगर उससे पूछा जाए कि फोर्स जो है, अगर हम ये हल्का ऑब्जेक्ट से मार रहे हैं और एक केस में हम भारी ऑब्जेक्ट से मार, मतलब कुछ भी भारी है जैसे ये बोतल है, तो इससे मारा जाए तो किस में फोर्स ज़्यादा किस में लगेगा, सामने वाला को चोट किससे ज़्यादा लगेगा? जो भारी होगा उससे ज़्यादा लगेगा ना, यानी कि फोर्स जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए या इन्वर्सली? डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि एम भी बढ़ा रहे हैं, यानी कि मास अगर बढ़ा रहे हैं तो फोर्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जैसे ही मास घटाएंगे फोर्स भी क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब ये दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब डायरेक्ट रिलेशन को कैसे लिखा जाता है, कुछ इस प्रकार से लिखने तो आता होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब दूसरी बात, अगर हम ये पूछे कि एक ऑब्जेक्ट जो है, यानी कि एक ट्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ट्रेन काफी हैवी हो जाएगा, बाइक का एग्जाम्पल लेते हैं। कोई बाइक जो है 70 किलोमीटर पर आवर से आया, एक बूढ़ी औरत थी उसमें टकरा गया, तो टकरा गया है। अब सेकेंड केस में बाइक जो है 70 से आ तो रहा था, लेकिन जब टकराया उस समय धीरे धीरे होते होते 5 किलोमीटर पर आवर हो गया था, तो ज़्यादा चोट किस में लगेगा? जो 70 किलोमीटर पर आवर से आ रहा था, इसका मतलब स्पीड बढ़ाने से भी फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन समस्या यह है कि स्पीड बढ़ाने या घटाने के प्रोसेस को एक अलग से नाम दिया गया था, एक्सेलरेशन, याद है? स्पीड जब बढ़ रहा था या स्पीड जब घट रहा था तो एक्सेलरेशन आया था ना, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि स्पीड। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन बढ़ाया जाए, यानी कि अगर स्पीड कम था, सामने देखा कोई आदमी आ रहा है, दुश्मन, उसको लगा कि मेरा दुश्मन है और स्पीड बढ़ा दिया, यानी कि स्पीड बढ़ाया मतलब क्या बढ़ाया, एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। और सेकंड, पहले जो केस बात किए थे, पहला का जो सेकंड केस में बात किए थे, उसमें क्या किया था, स्पीड घटा लिया था धीरे धीरे, 5 किलोमीटर पर आवर ले गया था वो, यानी कि वहाँ एक्सेलरेशन क्या किया था, घटाया था, तो ए भी क्या हुआ था। इसका मतलब ये दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन ही है, यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन हम नहीं बताए अभी तक, ये अकॉर्डिंग टू नॉलेज, अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस है। यानी कि अभी तक न्यूटन का नाम भी नहीं आया है, लेकिन उसके पहले हम लोग ये जान गए हैं कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है। तो इस दोनों में जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के, तो इसको हम साथ में कैसे लिख सकते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, जब दोनों डायरेक्ट रिलेशन है तो दोनों को साथ में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। अब यही जो स्टेटमेंट है ना, वही दिया था न्यूटन। न्यूटन क्या बोला था कि जो मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स के। कितना आसान है, एक बार और सुन लो, न्यूटन क्या कह रहा था, मतलब न्यूटन स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ लाइट। यानी कि मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। ये तो हम लोग डिराइव भी कर लिए वैसे तो, कॉमन सेंस के हिसाब से। तो न्यूटन का स्टेटमेंट जो है क्या कहा था, लिख लो, न्यूटन कहा था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, उतना लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब समस्या ये है कि कुछ सालों पहले, यानी कि 1 साल पहले, कुछ साल पहले नहीं, 8 क्लास में पहली बार आपको ये बताया गया होगा कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल आता है बीच में, अगर उसको हम फॉर्मूला के रूप में, यानी कि इज इक्वल टू बीच में लगाना चाह रहे हैं, तो एक कांस्टेंट हम लोग को लगाना पड़ता है। यानी कि अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा करके, यानी कि अगर हमको ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के इसको फॉर्मूला के फॉर्म में बदलना है, तो एक कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, जिसको हम क्या मान लेते हैं, के मेरा यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो अब दिमाग में तो यह आ रहा हो कि सर फॉर्मूला तो एफ इज इक्वल टू एम ए है, तो फिर के कहाँ से आ गया? तो बस किया ये है कि के को क्या मान लिया, एज्यूमिंग, नहीं के तो कांस्टेंट है ही,
लेकिन के को क्या मान लिया है, एज्यूमिंग के इज इक्वल टू वन, वी कैन से डेट, हम लोग कह सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू क्या है, एम ए है। दैट्स ऑल, यही फॉर्मूला है और यही सेकेंड लॉ है। ठीक है, अभी हम लोग इसके बाद थर्ड लॉ देखते हैं। अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वैसे तो न्यूटन का तीनों लॉ आसान है, एक बार थोड़ा रिकॉल करा दे। पहला क्या था, पहला था कि अगर कोई मोशन में ऑब्जेक्ट है तो मोशन में रहना चाहेगा, और अगर कोई रेस्ट में ऑब्जेक्ट है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, तभी तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसका मोशन को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसके रेस्ट कंडीशन को भी हम लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये न्यूटन कहा था, मतलब बाद वाला जो हम सेंटेंस के वो तो अपने से कहे हैं, जो शुरू वाला था वो न्यूटन कहा था। उसके बाद सेकेंड में क्या पढ़े अब, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अगर एक चीज नोटिस किया होगा तुम लोग, तो दोनों का जो दोनों पहला जो दोनों लॉ है वो दोनों किस पे आधारित है, फोर्स पे। दोनों में फोर्स वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे भी यूज होगा। वैसे भी चैप्टर का नाम ही क्या था, फोर्स, तो हम लोग फोर्स के बारे में ही जानने वाले थे वैसे भी। लेकिन हम तुमको थोड़ा पॉइंट आउट भी करा दिए कि देख लो दोनों में फोर्स आया। पहला में भी फोर्स आया कि फोर्स जब तक ना लगाया जाए तब तक स्टेट चेंज नहीं होगा। दूसरा में भी आया कि फोर्स मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। अब तीसरा जो है ये भी फोर्स पे ही है, कहता ये है कि अगर, अब बापूजी का एक उदाहरण याद आ गया, खैर वो बाद में बात करेंगे, पहले पढ़ाई का बात। पहले ये कि न्यूटन जो है वो कहा था कि अगर हम किसी चीज को ढकेले तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ हम उसको ढकेले, वो भी हमको ढकेल रहा है वापसी में। बस फर्क इतना है कि मोमेंटम उसके तरफ, ये मोमेंटम क्या है, जस्ट इसका अगला टॉपिक मोमेंटम ही है, लेकिन उसके पहले समझने से दूसरा वर्ड यूज कर लेते हैं। एक काम करते हैं दूसरा वर्ड यूज कर लेते हैं, जैसे हम किसी को टकरा गए किसी में, सपोज डेट एक कार जो है वो चल रहा था और एक रुका हुआ कार में टकरा गया, तो फोर्स कौन लगाया, चलने वाला या रुका हुआ वाला। जो चल रहा था वो लगाया, चलने वाला लगाया उसमें फोर्स, लेकिन क्या जो चल रहा था उसमें नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसका 100% गारंटी है, हो सकता है नहीं भी पहुंचे, लेकिन पहुंचता तो है अक्सर। तो इसका मतलब ये है कि ये तो उस पर फोर्स लगाया ही, सामने वाला को तो चोटिल होना ही था, यानी कि सामने वाला कार में डैमेज तो होना ही था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि ये वाला कार डैमेज नहीं होगा, तो ये वाला कैसे हुआ। इसका मतलब ये है कि भले ही वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, लेकिन जब जैसे ही ये एक्शन किया सामने से, वो क्या किया, रिएक्शन किया, जिसके वजह से इस कार को भी डैमेज पहुंचा है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग कॉमन लाइफ में लेते हैं, नाव वाव पे कभी चढ़े हो, महसूस तो किए होगे, एक बार फील करके देखो। नाव पे से हमको उतरना है और पानी में, जब कभी नाव देखोगे तो एकदम किनारे पे नहीं लाता है, पानी में ही रहने देता है, लेकिन आदमी फिर भी आराम से उतर जाता है। कैसे उतरता है, नाव को पीछे ऐसे ऐसे की तरफ ढकेलता है और आदमी कहाँ फेंका जाता है, आगे। तो मतलब कहीं 2-4 फीट का फासला होता है, उसको आराम से सफर कर लेता है विदाउट एनी टेंशन। क्यों, बस फायदा उठाता है, यही न्यूटन थर्ड लॉ जो कहा था उसका, यानी कि अगर किसी चीज पे हम एक्शन करेंगे तो सामने से वो हमको रिएक्शन देगा। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे गोली बंदूक, ये थोड़ा सा गैंगस्टर वाला एग्जांपल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, समझ सकते हैं। कभी शूटिंग देखा, अभी ओलंपिक कुछ दिन पहले हुआ था तो उसमें शूटिंग देखा, अगर कोई देखा होगा तो उसमें ऐसा नहीं है कि अगर गोली छोड़ा जाए तो बंदूक जो वो पीछे की तरफ नहीं भागता है, भागता है ना। गोली को हम आगे छोड़े तो गोली को चुपचाप आगे जाना चाहिए था, लेकिन बंदूक पीछे की तरफ क्यों गया, क्योंकि गोली जब आगे निकला तो हम एक्शन किए, तो गोली भी तो बदले में रिएक्शन करेगा ना, तो उस रिएक्शन के वजह से ही हम लोग के हाथ पे फोर्स पड़ता है, झटका पड़ता है, और बंदूक जो है कहाँ की तरफ, पीछे की तरफ आना शुरू हो जाता है। बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब तुम्हारा वो स्ट्राइकर में भी है, स्ट्राइकर कहाँ यूज होता है, कैरम बोर्ड में। तो कैरम बोर्ड में भी क्या होता है कि हम लोग एक्शन करते हैं तो उंगली में चोट लगता है ना, तो क्यों लगता है, क्योंकि हम एक्शन किए तो स्ट्राइकर क्या किया, हम लोग का रिएक्शन किया। तो ये अब इसी स्टेटमेंट को न्यूटन बोला था। वैसे तो हम लोग भी कॉमन वही बात, कॉमन सेंस से तो हम लोग को ही पता चल गया, लेकिन जो पहले बोला वही सिकंदर, पहले कौन बोला, न्यूटन। और क्या बोला वो इंपॉर्टेंट है, बोला ये कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सामने वाला ऑब्जेक्ट पे एक्शन करेगा तो सामने वाला ऑब्जेक्ट भी वापस में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अब एक बच्चा, यानी कि पिछले साल हमसे पूछा था क्वेश्चन, उसका नाम था, नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन हमसे पूछा था, हाँ नाम याद आ गया, निखिल नाम था उसका। वो हमसे पूछा था कि सर अगर हम किसी चीज़ पे एक्शन किए, जैसे कि हम किसी को चाटा मारे,
तो मेरे हाथ पे कम चोट लगता है, उसके गाल पे ज्यादा चोट लगता है, ऐसा क्यों? अगर एक्शन और रिएक्शन बराबर है तो जितना चोट उसके गाल पे लगा उतना ही चोट मेरे हाथ पे भी लगना चाहिए था ना। हम मेरा अच्छा एक ऑब्जेक्ट हमको ही मान लिया है, ठीक है। तो रीजन ये है, वही अभी थोड़ी देर पहले मोमेंटम का बात किए थे हम, उसको थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन मुद्दा ये है कि हम इंटेंशनली, हमको पता था कि हम उसको मारने वाले हैं, तो मेरे हाथ को और मेरे ब्रेन को ये सहने का शक्ति पहले से ही था कि हाथ में चोट लगेगा लेकिन इग्नोर रहेगा वो। क्यों? क्योंकि हमको पता था, अनजाने में नहीं हुआ है। लेकिन सामने वाला के गाल पे जब मारे तो जो स्पीड का जो इंटेंसिटी है वो किसके तरफ है? उसके गाल के तरफ है। तो इसका इसी को जब आगे टर्म पढ़ेंगे तो उसको मोमेंटम कहते हैं। खैर वो बाद में बात करेंगे, लेकिन तुम हाथ का एक्सप्रेशन देखो किसके तरफ जा रहा है। स्पीड जो है हाथ का किसके तरफ जा रहा है? उसके गाल की तरफ, यानी कि आई की तरफ जा रहा है। और हाथ को तो पहले से ही पता है कि हमको मारने वाले हैं, तो इसलिए जब पहले से पता है तो सिर्फ गाल वाला को ज्यादा महसूस होगा और हमको पता नहीं होगा। दूसरा रीजन क्या है कि मोमेंटम किसके तरफ शिफ्ट हो रहा है? आगे वाले की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि गाल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इस वजह से उसको ज्यादा महसूस होगा। ऐसा नहीं है कि फोर्स जो है वो दोनों बराबर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्शन और रिएक्शन बराबर नहीं है। बस पहली बात, मोमेंटम उसकी तरफ शिफ्ट है, और दूसरी बात, हमको पता था कि हम मारने वाले हैं। और भी बहुत सारा रीजन है लेकिन वो सीनियर क्लास में पढ़ना है, ये दो अभी के लिए काफी है। तो मतलब कहा क्या था न्यूटन? न्यूटन कहा था कि इफ देयर इज एक्शन इन रिटर्न देयर इज रिएक्शन ऑल्सो। ऐसा लैंग्वेज में नहीं कहा था, उसका लैंग्वेज कुछ और था। ये हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मतलब कि जहां एक्शन होगा वहां रिएक्शन भी होगा रिटर्न में। और कहा यह भी था कि जो एक्शन है, एक्शन का जो फोर्स है, यानी कि जो फोर्स है एक्शन का, वो किसके बराबर होगा? फोर्स रिएक्शन के, दोनों आपस में बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे तो तीन चार एग्जाम्पल ऑलरेडी दे चुके हैं। बुक में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा कि हम ऐसा क्यों किए तो वैसा क्यों हुआ, ऐसा किए तो वैसा क्यों हुआ। तो सबका आंसर यही है कि एक्शन किए तो रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो हम लोग तीनों लॉ पढ़ लिए हैं। अब अगले एपिसोड में, यानी कि एपिसोड नंबर 4 में, हम लोग फिर मोमेंटम देखेंगे, और शायद अगर समय मिला तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।